And SEBI Act has repealed Capital Issue Control Act. So SEBI Act 1992, then Securities Contract Regulation Act, Companies Act 2013, Joe Pile Company 56th and Depositories Act 1996 for the electronic trading and dealing in securities. Now, SEBI as a body is being constituted in 1988 as a non-statutory body. Lakin. जब वो नॉन बॉडी था, सो इट नॉट हैविंग इनफ से सेबी जब नॉन स्टैचुरी बॉडी था तो से ऊपर पेनल्टी भी नहीं लगा सकता था बट दैट इज वेयर वी दैट वी नीड टू गिव द लेजिस्लेटिव बॉडी रियलाइज वी नीड टू गिव मोर पार्स टू सेब सिक्योरिटीज मार्केट रेगुलेटरी अथॉरिटी इन इंडिया बाय सेंट्रल ने इसको एक स्टैचुरी बॉडी के फॉर्म में क्रिएट किया तो अब

तीन मेंबर क्या होने चाहिए फुल टाइम मेंबर एंड मैक्सिमम दो मेंबर क्या हो सकते हैं पार्ट टाइम अब यहां पे चेयर पर्सन और चेयर पर्सन इज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ये जो फाइव मेंबर्स हैं दे आर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब अगर अगर ध्यान से देखा जाए तो सेबी का जो एंटायर कॉम्पोजिशन है वो या तो अपॉइंटेड और कंट्रोल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अब देखो अब सेबी के मेन फंक्शन क्या है तो सेबी के जो मेन फंक्शन है द तो मेन ऑब्जेक्ट और ड्यूटी ऑफ सेबी ये तीन ऑब्जेक्ट है पहला टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर सेकेंड टू रेगुलेट द सिक्योरिटीज मार्केट थर्ड टू डेवलप द सिक्योरिटीज मार्केट ये दे तीन मेन ड्यूटी दे है सेबी की मेन ड्यूटी और फंक्शन ऑफ सेबी दैट इज बींग गिवेन अंडर सेक्शन इलेवन वन अब इलेवन टू क्या बोलता है तो जितने भी लोग मार्केट में ऑपरेट कर रहे ऑल नीड टू बी रजिस्टर्ड वे से बी एंड दे ऑल आर रेगुलेटेड बाय से भी तो अगर हम लोग रजिस्ट्रेशन रेगुलेशन तो जितने भी स्टॉक एक्सचेंज है क्लियरिंग कॉपोरेशन सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी डिपॉजिट्री कितने डिपॉजिटी थे इंडिया में दो डिपॉजिटी एन एस डी एस सी डी एस एल तो बोथ नीट टू रजिस्टर्ड वेन लिस्टेड कंपनी देन वो हर एक कंपनी

In chapter, there are few topics, पे हम कि क्या है इंटरमीडियट चैप्टर जैसे पोर्टफोलियो इन्वेस्टर रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट दे ऑल नीड टू बी रजिस्टर्ड विद से अलावा वो हर एक एंटिटी जो फंड मैनेजमेंट बिजनेस में इन्वॉल्व है इन्वेस्ट करते, करते हो जो रिटर्न आता है वो फंड के पास आता है और फंड नेट रिटर्न अपनी फीस माइनस करके नेट रिटर्न इन्वेस्टर्स को दे देता है तो यहाँ पे जितनी भी एंटिटी फंड मैनेजमेंट बिजनेस में म्यूचुअल फंड वेंचर कैपिटल फंड ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड एंजल फंड फॉरन वेंचर कैपिटल फंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी थे ऑल नीड टू बी रजिस्टर्ड विद सेबी इसके अलावा व्हाट सेबी डू सेबी प्रोहिबिट सेबी किस चीज़ को प्रोहिबिट करता है तो सेबी प्रोहिबिट करता है इनसाइडर ट्रेडिंग को व्हाट इज इनसाइडर ट्रेडिंग कि आप कंपनी की अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आप कंपनी की सिक्योरिटीज में ट्रेड करते हो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दैट इज टू बी कॉल्ड एज इनसाइडर ट्रेडिंग तो इनसाइडर ट्रेडिंग देन फ्रॉडलेंट एंड

What is very important that research and development activity, means how market to be developed. See, India market is one of the leading market in Asia, but we have a target of becoming the world best market, bigger than New York Stock Exchange, bigger than Nasdaq. So how we can develop our market? That is also being seen by SEBI. So SEBI is having a role to develop the market also. Then, what SEBI can do? SEBI is having a right to issue directional order. तो से भी आपको डायरेक्शन ऑर्डर इशू कर सकता है इसके अलावा सेबी इंक्वायरी इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन ऑडिट कर सकता है किसके फंक्शनिंग में उन पर्सन के फंक्शनिंग में जो मार्केट से कनेक्टेड हैं मार्केट इंटरमीडिएट्स की फंक्शनिंग में सेबी आपसे इंफॉर्मेशन या एक्सप्लेनेशन मांग सकता है डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड एविडेंस मांग सकता है आपसे पर्सनल रिप्रेजेंटेशन बोल सकता है कि आपको मार्क आपको सेबी के सामने पर्सनल रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा इसके अलावा नाउ

स्टैचुरी इन्फॉर्मेशन अगर कोई अथॉरिटी इंडिया के बाहर का है और उसके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करता सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको स्पेसिफाई किया है एंड एनी अदर फंक्शन एज में दिस इज दीपोर्टेंट सेक्शन से अगर पेपर में पार्ट्स एंड फंक्शन ऑफ से भी पूछे और अगर पेपर का क्वेश्चन फोर मार्क्स का हो तो सिर्फ इलेवन वन और इलेवन टू आपको कवर करना है क्लियर अब ना वट इलेवन टू टॉक्स अबाउट बेसिकली कि से भी कर सकता है अच्छा इंस्पेक्शन किस चीज का कर सकता है तो दे कैन ऑलवेज डू द द इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स एंड द रजिस्टर डॉक्यूमेंट्स किसका कर सकता है ऑफ पब्लिक कंपनी

इंपॉर्टेंट पार्ट की सेबी देखो से, से, तो से पासविल कोर्ट के पास होते हैं देखो, जब हम लोग सिविल कोर्ट की बात करते हैं तो सिविल कोर्ट क्या सिविल कोर्ट के पास क्या क्या पार्ट होते हैं तो सिविल कोर्ट एक समन इशू कर सकता है नोटिस इशू कर सकता है सिविल कोर्ट

receiving एविडेंस ऑन affidavit मतलब ऑन ऑन the basis ऑफ affidavit से बी कैन ऑलवेज करेक्ट द इन्फॉर्मेशन इसके अलावा एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस और डॉक्यूमेंट रिव्यूइंग द डिसीजन मतलब सेबी डिसीजन को रिव्यू कर सकता है एसेसिंग ऑफिसर के डिसीजन को रिव्यू कर सकता है अगर सेबी को लगता है कि जो डिसीजन दिया है वो बराबर है तो एनफोर्स कर सकता है और अगर से को लगता है जो डिसीजन दिया कि वो बराबर नहीं है तो डिसीजन को कैंसिल भी कर सकता है इसके अलावा अगर आपने सेबी में कोई एप्लीकेशन दिया है

जो अंडर सेबी एक्ट सेबी के पास भी वेस्टेड है क्लियर तो सेटिंग असाइड इन ऑर्डर इसके अलावा इंस्पेक्शन कर सकता है बुक्स रजिस्टर डॉक्यूमेंट्स इन सब का किसके हम लोग माके इंटरमीडिएट का देन इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स रजिस्टर डॉक्यूमेंट ऑफ पर्सन एसोसिएटिव सिक्योरिटीज मार्केट इसके अलावा एनी अदर मैटर एज मे बी स्पेसिफाइड अब देखो अब यहाँ पे सेबी मेजर्स जो है दिस इज इंपॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि सेबी मेजर्स तो सेबी मार्केट के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए व्हाट मेजर्स दे कैन टेक तो से भी सस्पेंड कर सकता है अगर मान लो कोई कंपनी इंटरमीड या पर्सन सिक्योरिटी लॉ का वॉलेशन कर रहा है तो से भी उसको सस्पेंड कर सकता है मार्केट से से बी कैन रिस्ट्रेन द पर्सन फ्रॉम एसेसिंग द सिक्योरिटीज मार्केट मतलब से बोल सकता है कि आप मार्केट एक्सेस नहीं कर सकते आपको एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए या लाइफ टाइम के लिए मार्केट से बैन कर सकता है तो प्रोहिबिट अ पर्सन एसोसिएट विद मार्केट टू बाय सेल और डील इन सिक्योरिटीज इसके अलावा से भी स्टॉक एक्सचेंज के सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑफिस बेरर्स हैं उनको सस्पेंड कर सकता है सस्पेंड द ऑफिस बेरर स्टॉक एक्सचेंज और सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन इसके अलावा अगर आपने कोई सिक्योरिटीज मार्केट में वॉल्यूशन किया है तो से भी आपने जो अनफेयर प्रॉफिट कमाया है उसको इम्पाउंड कर सकता है कॉन्फिस्केट कर सकता है इसके अलावा से भी आपके बैंक अकाउंट को आपकी प्रॉपर्टी को अटैच कर सकता है नो मैंने इसे अटैच कर सकता है इसका मतलब सीज कर सकता है अच्छा कितने पीरियड के लिए सीज कर सकता है फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 90 डेज क्लियर और ये क्यों सीज किया जा रहा है बिकॉज द पर्सन हैज वायलेटेड द प्रोविजंस ऑफ सिक्योरिटीज लॉ अभी यहाँ पे विद इन नाइनटी डेज ऑफ अटैचमेंट सेबी को क्या करना पड़ेगा अगर सेबी अटैचमेंट करता है तो उसको कन्फर्मेशन लेना पड़ेगा स्पेशल कोर्ट से और सच अटैचमेंट और जब कन्फर्मेशन मिल जाएगा तो ही अटैचमेंट कंटिन्यू होगा इसका मतलब क्या हुआ कि अगर स्पेशल कोर्ट ने कन्फर्मेशन नहीं दिया तो अटैचमेंट नीड टू बी रिलीज इसके अलावा अटैचमेंट सिर्फ उस प्रॉपर्टी का किया जाएगा उस बैंक अकाउंट का किया जाएगा जो वॉयलेशन से डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे इसके अलावा इंटरमीडरीज को एंड सिक्योरिटीज मार्केट को यह ऑर्डर दे सकता है कि वो अपने

या तो इंटरमीडरी इन्वेस्टर का इंटरेस्ट अफेक्ट न करे इसके लिए जरूरी है इंटरमीड्रट को प्रिवेंट करना है या तो मार्केट में प्रॉपर इंटरमीडरी फंक्शन करे इस चीज को एंश्योर करने के लिए सेबी क्या कर सकता है सेबी डायरेक्शन इशू कर सकता है अच्छा जब सेबी डायरेक्शन इशू करेगा तो डायरेक्शन किसको दे सकता है इंटरमीड्रट को दे सकता है वो हर एक पर्सन जो सेबी के साथ रजिस्टर्ड है वो हर एक पर्सन जो मार्केट से एसोसिएटेड है और

ये जो टॉपिक है ना पार्ट टू इशू डायरेक्शन ये आज तक सिर्फ एक बार पूछा गया है लास्ट ट्वेंटी एक रीडिंग करके जाना क्लियर एंड नाउ इन्वेस्टिगेशन पार्ट न सेबी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है नाउ दिस इज दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट इन्वेस्टिगेशन में से भी कब इन्वेस्टिगेशन करेगा अगर सेबी के पास रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव है कि जो ट्रांजेक्शन हुआ है वो इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रिजुडाइज करेगा या तो किसी या पर्सन एसोसिएटेड सिक्योरिटी मार्केट ने सिक्योरिटी लॉ का वॉल्यूशन किया है तो सेबी क्या कर सकता है सेबी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है अच्छा इन्वेस्टिगेशन कैसे करेगा तो सेबी वहाँ पे एक पर्सन को अपॉइंट करेगा दैट पर्सन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग इन्वेस्टिगेशन और वो पर्सन अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट करेगा सेबी को सेबी में एट एनी टाइम बाय ऑर्डर डायरेक्ट एनी पर्सन टू इनवेस्टिगेट एंड टू रिपोर्टी जब इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर इशू किया जाएगा तो अगर मान लो इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर इशू किया गया अगेंस्ट इंटरमीडरी अगेंस्टेड कंपनी तो ये उस लिस्टेड कंपनी इंटरमीडरी का के सारे मैनेजर डायरेक्टर ऑफिसर की ड्यूटी होगा कि वो इन्वेस्टिगेशन में जो भी नेसेसरी कोपरेशन है जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट है वो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को प्रोवाइड करे नाउ व्हाट इज बीइंग सेड, नाउ पावर ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी अब इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी जिसको ना किया है नाउ नाउ इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी मे रिक्वायर एनी इंटरमीडियो पर्सन एसोसिएटेड टू फर्निश इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस बुक्स डॉक्यूमेंट बिफोर इट एज कंसिडर नेसेसरी फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन मतलब क्या हो गया इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी बोल सकता है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा लेकिन स्पेसिफाई दैट वॉट इन्फॉर्मेशन दे आर लुकिंग फॉर और इसके अलावा वो उस डॉक्यूमेंट को कस्टडी में भी रख सकते हैं कितने पीरियड के लिए सिक्स मंथ्स के लिए एंड उसके बाद वो डॉक्यूमेंट इंटरमीडिएट को रिटर्न कर दिया जाएगा जिनसे वो डॉक्यूमेंट रिसीव किया गया था क्लियर अभी अगर कोई पर्सन इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को नेसेसरी सपोर्ट नहीं कर रहा है जो भी वो डॉक्यूमेंट मांग रहे या तो इन्फॉर्मेशन फर्निश नहीं कर रहा है या तो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी ने उसको बोला है कि आपको पर्सनली अपेयर होना पड़ेगा और वो अपेयर नहीं होता है या तो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी उससे क्वेश्चन पूछ रहा है और वो क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहा है या तो टू साइन द नोट ऑफ एग्जामिनेशन व्हाट इज़ द नोट ऑफ एग्जामिनेशन कि जब आपसे इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी डॉक्यूमेंट कलेक्ट करता है तो डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने के बाद इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी विल रिक्वायर द पर्सन टू साइन एज एन एविडेंस कि जो जो इन्फॉर्मेशन जो जो डॉक्यूमेंट मैंशन किए हैं वो कलेक्ट किए गए हैं अगर वो पर्सन साइन करने से मना कर देता है देन इट इज़ कंसिडर्ड एज डिफॉल्ट एंड इट विल अट्रैक्ट पेनल्टी कितनी पेनल्टी इम्प्रिजमेंट एक साल तक हो सकता है और फाइन एक करोड़ और बोथ इसके अलावा फाइन कितना ले सकता है फाइव लाख रुपीज फॉर एवरी डे आफ्टर विच द डिफॉल्ट कंटिन्यूज इसका मतलब हैवी अमाउंट ऑफ विल बी पैनल्टीविट अगर आप इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को कॉपरेट नहीं करते हो इन द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन अब देखो अब यहाँ पे से बी इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन अगर सेबी को लग, अगर इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को लगता है कि जो डॉक्यूमेंट हैं दो डॉक्यूमेंट विच इज रेलेवेंट फॉर द इन्वेस्टिगेशन ग्रेट प्रोबेबिलिटी कि वो डॉक्यूमेंट टैंपर हो सकते हैं डिस्ट्रॉय हो सकते हैं डैमेज हो सकते हैं ऑल्टर हो सकते हैं फॉल्सिफाई हो सकते हैं तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी मैजिस्ट्रेट और जज ऑफ डेजिनेट कोर्ट इन मुंबई को रिक्वेस्ट करेगा किस काम के लिए रिक्वेस्ट करेगा जिससे कि वो उस डॉक्यूमेंट को सीज कर सके इसका मतलब क्या हुआ कि सीज करने के लिए आपको एप्लीकेशन इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को एप्लीकेशन देना पड़ेगा

सर्विस of किया गया था एप्लीकेशन किया गया था मैजिस्ट्रेट को या तो जज ऑफिड कोर्ट इन मुंबई को फॉर दर्पज ऑफ सीजर तो वहां परेशन इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी कंसिडर किया जाएगा और अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि रीजन वैलिड है तो वो उनको इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को अलाउ कर सकते हैं किस काम के लिए टू एंटर टू सर्च एंड टू सीज द रिकॉर्ड मतलब उसको परमिशन दी जा सकती है कि वो उस जगह पे एंटर कर सकता है उस जगह को सर्च कर सकता है और अगर डॉक्यूमेंट रेलिवेंट है तो वहां पे उन डॉक्यूमेंट को सीज भी कर सकता है क्लियर अब यहाँ पे मैजिस्ट्रेट बट रिमेंबर दिस थिंग मैजिस्ट्रेट या तो जज ऑफ डेसिनेटेड कोर्ट जनरली सीजर का ऑर्डर लिस्टेड कंपनी में नहीं देते हैं

इंक्वायरी के बेसिस पे अगर सेबी का ये मानना है सेबी हैज फाउंड इट ऑफ द ओपिनियन कि अगर कोई पर्सन सिक्योरिटी लॉ का वॉयलेशन कर रहा है या वॉयलेशन करने वाला है तो सेबी वहां पे एक सीज एंड डिसीज ऑर्डर इशू कर देगा रिक्वायरिंग द पर्सन कि वो वॉयलेशन ना करे एंड अगर वो कर रहा है तो उसको इमिडिएटली स्टॉप कर दिया जाए सेम थिंग लिस्टेड कंपनी में ये ऑर्डर तब तक इशू नहीं होगा जब तक इफ द लिस्टेड कंपनी इज इन्वॉल्व इन इन साइडर ट्रेडिंग और मार्केट मैनिपुलेशन क्लियर अब देखो अब यहाँ पे पेनल्टीज फॉर फेलियर तो अगर आपने सिक्योरिटी लॉ का वॉयूशन किया है तो से भी आपको क्या पेनल्टी लगा सकता है तो पेनल्टी कैन भी इन द नेचर ऑफ स्पेसिफिक पेनल्टी और इन द नेचर ऑफ जनरल पेनल्टी नॉन स्पेसिफिक पेनल्टी डिपेंड करता है नेचर ऑफ नॉन कंप्लाइंस पे एंड जनरल पेनल्टी आपके सब ऑफेंसेस पे लग जाते हैं तो यहाँ पे बड़ा दिक पेनल्टी

तो पैसा रिफंड करना चाहिए था आपने पैसा रिफंड नहीं किया या तो जो पैसा आपको इन्वेस्टर से मिला था उस पैसे को आपने एज परैख मैक्सिमम वन लैख फॉर करोड़ टी एवर इज लेस एंड दिस इज फॉर ईच ऑफेंस इसके अलावा म्यूचुअल फंड में देर इज अर इज अंटिटी कॉल्ड एसेट मैनेजमेंट कंपनी अब एसेट मैनेजमेंट कंपनी बेसिकली वो कंपनी है जो म्यूचुअल फंड के एसेट को मैनेज कर रहे हैं बट इज एसेट ऑफ म्यूचुअल फंड इज द फंड जो इन्वेस्टर से मिला है तो अगर म्यूचुअल फंड ए उस काम के अलावा तो एज पर सेबी रेगुलेशन ए फंड को मैनेज करने के अलावा और कोई काम नहीं कर सकता तो अगर ए एम के रेगुलेशन को कंप्लाई नहीं कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन बिजनेस एक्टिविटी

ज डिलीवर करना पड़ेगा या तो पेमेंट करना पड़ेगा अगर उसने ये काम नहीं किया विद इन द पीरियड स्पेसिफाइड दैट इज कंसिडर्स डिफॉल्ट एंड पेनल्टी इज मिनिमम मैक्सिमम पर डे ऑफ डिफॉल्ट और करोड़ विच एवर इज लेसर इसके अलावा अगर स्टॉक ब्रोकर ने ब्रोकरेज चार्ज किया है कितना ब्रोकरेज चार्ज किया है मोर देन वट द स्टॉक एक्सचेंज ऑफ विच सच स्टॉक ब्रोकर इज अ मेंबर बिकॉज एवरी स्टॉक ब्रोकर नीड टू बी अ मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज तो अगर वो स्टॉक एक्सचेंज में जो ब्रोकरेज बोला था कि उसके उसके ब्रोकर जो है वो कितना चार्ज करेंगे अगर उससे ज्यादा चार्ज किया है मिनिमम वन लैख मैक्सिमम वन लैख और फाइव टाइम्स क्लियर देन इन साइडर ट्रेडिंग अगर आपने अनपब्लिश प्राइसिटिव इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर ट्रेडिंग किया है एंड यू है प्रॉफिटिंग वॉट इज दी मिनिमम

क्या बोलता है बात करता है कि अगर कोई पर्सन किसी इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को अफेक्ट करने की कोशिश कर रहा है अगर कोई पर्सन जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स हैं, उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है अनऑथराइज एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है वो क्यों ऐसा करना चाहता है जिससे कि वो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को सर्च प्रोसेस को अफेक्ट कर सके देन इट इज कंसिडर्ड एज डिफॉल्ट यहाँ पे क्या लिखा है नोइंगली ऑल्टर म्यूटिलेट फॉल्स एंट्री पर्पज़ क्या है सो एज टू इम्पीड और इन्फ्लुएंस द इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी ऑडिट इंस्पेक्शन और प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन या तो विदाउट बिंग ऑथोराइज अगर आप एक्सेस यूर ट्राइंग टू हैीटर ऑफ द रेगुलेटरी डेटा मतलब आप रेगुलेटरी डेटा बेस को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो विदाउट बिंग ऑथोराइज अगर आप डाउनलोड करने की कोशिश कर रहे हो किस चीज़ को डाउनलोड करने की कोशिश कर रहे हो द रेगुलटरी डाटा देश डेटा बेस या तो आप जान बुझ के रेगुलेटरी डेटा बेस में आप कोई कंप्यूटर वायरस कंटेमिनेट इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हो या तो अगर आप रेगुलेटरी डेटा बेस के सिस्टम को स्ट्रॉप करने की कोशिश कर रहे हो या तो आप जान बुझ के रेगुलेटरी डेटा बेस के डॉक्यूमेंट को इंफॉर्मेशन को डैमेज करने की कोशिश कर रहे हो या तो आप इन सब काम को करने में हेल्प कर रहे हो, इट इज कंसिडर्ड एज डिफॉल्ट एंड व्हाट इज द पेनल्टी द पेनल्टी इज मिनिमम वन लैख मैक्सिमम टेन करोड़ और थ्री टाइम्स द प्रॉफिट विच एवर इज हायर ये जो पूरा का पूरा सेक्शन है याद रखना ये पूरा सेक्शन किस चीज को टारगेट कर रहा है कि अगर आप रेगुलेटरी डेटाबेस में कुछ मैनिपुलेशन कर रहे हो टेम्परिंग कर रहे हो और क्यों कर रहे हो जिससे कि इन्वेस्टिगेशन ऑडिट इस प्रोसेस को अफेक्ट किया जा सके क्लियर इसके अलावा सेक्शन 15 एच क्या बोलता है कि अगर कोई ऐसा नॉन कम्प्लायस है जिसके लिए कोई स्पेसिफिक पेनल्टी नहीं दिया है तो वहाँ पेनल्टी कितनी है मिनिमम वन लैख मैक्सिमम वन करोड़ क्लियर नो, दीज वॉज द स्पेसिफिक पेनल्टी नॉ वॉट इज द जनरल पेनल्टी नॉ जनरल पेनल्टी बेसिकलीस की अगर आपने कोई भी सिक्योरिटी लॉ का वॉयलेक्शन किया है

वट कुल पेनल्टीट इंप्रिजनमेंट मिनिमम वन मंथ लेकर हो सकता है और फाइन पच्चीस करोड़ का और बोच याद रखना अगर सेक्ट में आपने कोई नॉन कम्पलायस किया है और आपके ऊपर जो पेनल्टी लगी है अगर वो पेनल्टी सिर्फ इम्प्रिजनमेंट है या इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन है तो वो नॉन कंपाउंडेबल है क्लियर इसके अलावा जो भी पेनल्टी है जिसमें आपके ऊपर इम्प्रिजनमेंट कंपल्सरी नहीं है उन पेनल्टी को आप कंपाउंडिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो कंपाउंडिंग का मतलब कि आप रेगुलेटरी बॉडी के पास जाके अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट करते हो और जितना भी फाइन अमाउंट होता है आप वो पे कर देते हो और मैटर क्लोज हो जाता है तो आपको कंपाउंडिंग के लिए किसके पास जाना पड़ेगा यहाँ पे तो मे बिफोर और आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रोसीडिंग मतलब आप कंपाउंडिंग के लिए प्रोसीडिंग चालू होने से पहले भी जा सकते हो एंड प्रोसीडिंग चालू होने के बाद भी जा सकते हो और किसके पास जाओगे कंपाउंडिंग के लिए या तो आप सैट के पास जाओगे या तो कोर्ट के पास जिसके सामने वो एप्लीकेशन पेंडिंग है दैट इज वेयर यू कैन गो फॉर द कंपाउंडिंग अब वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आपके ऊपर पेनल्टी लगाया जाता है तो पेनल्टी लगाने से पहले किन फैक्टर्स को कंसिडर करता है सेबी एजुडिकेटिंग ऑफिसर तो तीन फैक्टर्स कंसिडर होते हैं कि आपने कितना अनफेयर प्रॉफिट कमाया था जो प्लेटिव है उसको कितना लॉस हुआ और ये जो ऑफेंस है ये फर्स्ट टाइम ऑफेंस है या रिपीटिव नेचर ऑफ ऑफेंस है अगर रिपीटिव नेचर ऑफ ऑफेंस है तो पेनल्टी ज्यादा लगेगा रिपीटिव ऑफेंस of नहीं है तो पेनल्टी कम लगेगा और जो भी पैसा पेनल्टी से कलेक्ट होता है वो कहाँ पे क्रिएट करते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्लियर अब यहाँ पे पावर टू एजुटिकेट बेसिकली बोलता है कि अगर सेबी सेबी ने ना से penalty करने के लिए क्या कर सकता है सेबी कैन ऑलवेज इम्पोजी पेनल्टी लगाने से पहले आपको इंक्वायरी करना पड़ेगा आपको देखना पड़ेगा कि फर्स्ट टाइम पेनल्टी है या पहले भी डिफॉल्ट हो चुका है सो दो थिंग चेक एंड दैट इज वेयर सेबी विल डू अपॉइंट

देखे मॉडिफाई कैन चेंज द ऑर्डर और अगर से भी चाहे तो पेनल्टी को इंक्रीज भी कर सकता है लेकिन भी अगर ऐसा करेगा बट दे कैन ऑलवेज डू दैट थिंग बट ये करने से पहले को क्या करना पड़ेगा अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा एंड वेरी इंपॉर्टेंट काम से भी ऐसा कितने दिन में कर सकता है एजुटिकेटिंग ऑफिसर ने जो ऑर्डर पास किया है उसके थ्री मंथस में मतलब अगर एजुटिकेटिंग ऑफिसर ने ऑर्डर पास कर दिया

Act, तो यहाँ पे अगर पर्सन इज नॉट हैपी विद से बी दैट पर्सन कैन ऑलवेज मेक एन अपील बिफोर दैट यहाँ पे पेट के पास अपील करने का टाइम पीरियड 45 डेज एंड अगर सैट के पास अपील किया गया तो सैट अपील को कितने दिन में डिस्पोज ऑफ करेगा डिस्पोज द अपील विद इन सिक्स मंथस ऑफ रिसेप्टील क्लियर अब यहां पर अगर आप सैड के डिस खुश नहीं हो धन द पर्सन कैन ऑलवेज गो टू सुप्रीम कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का टाइम पीरियड सिक्सटी डेज प्लस अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि आप डेज में अपील नहीं कर पाए ड्यू टू सम वैलिड रीजन तो सुप्रीम कोर्ट आपको एक्सटेंशन ऑफ टाइम प्रोवाइड कर सकता है यहाँ पे एक्सटेंशन ऑफ टाइम ऑन एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर मेकिंग अपील सफिशियंट पॉस क्लियर अब यहां पर नॉ अब एक चीज याद रखना नॉ से आर वेस्टेड विथ सेम पार एज वेस्टेड विद सिविल कोर्ट अंडर एपीसी यह जो टाइम पीरियड है ना तो सेबी टू सेट का यह है सेक्शन फिफ्टीन टी एंड सैट टू सुप्रीम कोर्ट जिस सेक्शन फिफ्टीन सेड Clear? अब एक चीज याद रखना अब चीज याद रखना कि यहां पे अगर आप 45 डेज में सेट के पास अपील नहीं कर पाए तो सैट 45 डेज के बाद भी आपकी अपील कंसिडर कर सकता है ऑन सफिशेंट कॉज अब यहां पे दिस इज ऑल्सो फॉर IRDA मतलब अगर आप IRDA के डिसीजन से खुश नहीं हो या PFRDA के डिसीजन से खुश नहीं हो तो भी आप अपील करने किसके पास जाओगे सेट के पास क्लियर तो व्हाट इज IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी व्हाट इज PFRDA पेंशन फॉर रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड SAT स्टैंड फॉर सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल

The next topic is called SAT. अब SAT very important topic. अब देखो में ये क्यों क्यों किया किया गया था? तो government ने SAT क्यों किया? कि अगर कोई भी पर्सन सेबी के डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं है तो वो पर्सन अपील करने किसके पास जाएगा SAT के सामने अब सेट का कॉम्पोजिशन क्या है तो सेट में प्रिसाइडिंग ऑफिसर है एंड दे सेंट्रल गवर्नमेंट अब है वो हमेशा थ्रू बेंचेज होता है मतलब दैट में बेंच क्रिएट किया जाएगा विच इज कम्प्राइजिंग ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर जुडिशियलबर टेक्निकल में कितने होंगे वन प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा एंड एटलीस्ट वन जुडिशियल मेंबर ये बेंच कहाँ पेट सेट एट मुंबई बट यहाँ पे दे कैन सेट एट अदर प्लेसेस ऑल्सो यहाँ सेंट्रल गवर्मेंट डिसाइड करेगा इन कंसल्टेशन विदाइडिंग ऑफिसर एंड प्रिडिंग ऑफिसर अगर चाहे तो वो जुडिशियल मेंबर या टेक्निकल मेंबर को एक बेंच से दूसरे बेंच में ट्रांसफर कर सकता है ना व्हाट इज द मैक्सिमम एज वेरी इंपॉर्टेंट इस पर केसडी बनती है तो यहाँ पे मैक्सिमम एज प्रिसाइडिंग ऑफिसर जुडिशियल मेंबर टेक्निकल मेंबरी कितनी है सेवेंटी ईयर्स क्लियर मतलब सेवेंटी ईयर्स के बाद दे के नॉट होल्ड द ऑफिस अच्छा क्या कितना टेन्यूर होता है तो देव बिन अपॉइंटेड फॉर अ पीरियड ऑफ फाइव ईयर्स बट एलिजिबल फॉर री अपॉइंटमेंट फॉर अनदर टर्म ऑफ फाइव ईयर पर क्या लिखा है मैक्सिमम so, टेन्यूर कितना है

तो कितने पीरियड तक उनको सर्व करना पड़ता है थ्री मंथ्स और जब तक उनका टर्म कंप्लीट ना हो जाए या तो जब तक उनके बदले कोई सक्सेसर अपॉइंट ना हो जाए विच एवर इज अर्लियर क्लियर अभी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन इंक्वायरी मेड बाय जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंटिंग ऑफिसर या टेक्निकल को रिमूव कर सकता है

और अगर वो आगे ऑफिस कंटिन्यू करेंगे तो इट विल बी डेट्रीमेंटल टू ब पब्लिक इंटरेस्ट एंड इसके अलावा अगर उन्होंने किस ट्रांजेक्शन में फाइनेंशियल इंटरेस्ट एक्वायर कर लिया है न व्हाट इज़ फाइनेंशियल इंटरेस्ट एक्वायर कर लिया मतलब पिक्यूनरी गेन हो गया है मॉनेटरी गेन हो गया है एंड इसका मतलब अगर वो आगे ऑफिस होल्ड करेंगे सो इट विल ऑलवेज बी हार्मफुल फॉर द इन्वेस्टर एट लार्ज देन इन दैट केस द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन रिमूव द प्रिसाइडिंग ऑफिसर टेक्निकल या जुडिशियल मेंट बट वेरी इंपॉर्टेंट इनको रिमूव करने से पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग प्रोवाइड किया जाएगा वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट दैट कैन बी अपर जुडिशियल टेक्निकलबर ऑफ सैट तो प्रिडिंग ऑफिसर कौन बन सकता है जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट या तो करेंट जज होना चाहिए या तो पास में जज होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का या तो इज और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और या तो हैज़ बीन द जज ऑफ हाई कोर्ट कितने जज ऑफ हाई कोर्ट होना चाहिए फॉर याद रखना प्रिसाइडिंग ऑफिसर एंड जुडिशियल को जब अपॉइंट किया जाएगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी

कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर मान लो सर्च कम सेलेक्शन कमेटी में कॉन्स्टिट्यूशन सर्च कम सेलेक्शन कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन बराबर नहीं है या तो उसमें से तो किसी ने रिजाइन कर दिया तो जस्ट बिकॉज किसी पर्सन ने सर्च कम सेलेक्शन कमेटी से रिजाइन कर दिया है दैट डज नॉट मीन कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर का अपॉइंटमेंट किया है जुडिशियल मेंबर है टेक्निकल मेंबर का जो अपॉइंटमेंट किया है वो इनवैलिड हो जाएगा सेकेंड थिंग वेरी इंपॉर्टेंट अगर कोई पर्सन मेंबर है किसका मेंबर है सेबी का आईआरडीए, पीएफआरडीए का या सीनियर पोजीशन होल्ड कर रहा है अच्छा सीनियर पोजीशन मतलब कौन से लेवल का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है मतलब ही होल्डिंग अ वेरी पावरफुल पोजीशन रेस्पेक्टफुल पोजीशन इन सेबी या सच अथॉरिटी तो वो पर्सन सैट का प्रिसाइडिंग ऑफिसर या मेंबर नहीं बन सकता रीजन बींग अगर यही पर्सन सेबी में पोजिशन होल्ड कर रहा है तो ही इज टेकिंग डिसीजन मेकर इन सेबी और अगर यही पर्सन सेट में भी है तो फिर तो अपील का पर्पज ही रिफ्यूट हो जाएगा तो यहाँ पे क्या लिखा है तो शेल नॉट बी अपॉइंटेड एज अ प्रेसाइडिंग ऑफिसर ऑफ मेंबर ऑफ सेट कितने पीरियड तक आप उसको अपॉइंट नहीं कर सकते जब तक वो स्टे बी आईआरडीए पीएफआरडीए का मेंबर है तब तक वो सेट का मेंबर नहीं बन सकता सेकंडली अगर उसने से भी आईआरडीए पीएफआरडीए से रिजाइन भी कर दिया है उसके बाद भी दो साल तक वो सेट का मेंबर नहीं बन सकता वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पॉइंट के ऊपर सिर्फ इस पॉइंट के ऊपर केस स्टडी आती है क्लियर देन एज वी हैव डिस्कस दैट सेट इज आल्सो वेस्टेड विद द सेम पावर एज वेस्टेड विद सिविल कोर्ट तो हमने जो पीछे हमने डिस्कस किया था सेबी का सिविल कोर्ट का पार्ट किया आप नोटिस इशू कर सकते हो एग्जामिन कर सकते हो पर्सन को ऑन ओथ नॉट डॉक्यूमेंट या इंफॉर्मेशन आप उसको बोल सकते हो कि प्रेजेंट करना है एविडेंस कलेक्ट कर सकते हो एग्जामिनेशन कर सकते हो डिसीजन को रिव्यू कर सकते हो एप्लीकेशन डिसमिस कर सकते हो एक्स पार्टी डिसीजन ले सकते हो ऑर्डर को असाइड कर सकते हो तो ये सारे पार्ट जो सिविल कोर्ट के होते हैं वो सारे आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि सेट के सामने जो भी प्रोसीडिंग होती है इट इज कंसीडर्ड टू बी अ जुडिशियल प्रोसीडिंग अंडर आई पी इंडियन पिनल और सैट के सामने कौन मैटर प्रेजेंट कर सकता है तो हु कैन प्रेजेंट द मैटर बिफोर सैट तो सैट के सामने एपलेंट मतलब जो अपील कर रहा है वो खुद जा सकता है या तो वो किसी को ऑथराइज कर सकता है किसको ऑथराइज कर सकता है प्रैक्टिसिंग सी ए प्रैक्टिसिंग सी एस प्रैक्टिसिंग सी ए लीगल ऑफिसर एडवोकेट को इनको इनको ऑथराइज कर सकता है कि ये लोग मैटर के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ कैन हैव देयर ओन प्रोविजंस एंड प्रोसीजर बट प्रोविजंस ऑफ लिमिटेशन एक्ट शैल बी एप्लीकेबल फॉर मेकिंग अपील टू सैट एंड यहाँ पे जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर अ पब्लिक सर्वेंट

अब यहाँ पे अब एक चीज समझो तो यहाँ पे सेबी को किसने कॉन्स्टिट्यूट किया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है एनी टाइम से सेबी अपना फंक्शन प्रॉपरली डिस्चार्ज नहीं कर रहा है अपनी ड्यूटीज परफॉर्म नहीं कर रहा है या तो सेबी में सेबी की नॉन कंप्लायंस हो रहा है फंक्शनिंग बराबर नहीं हो रहा है जिसकी वजह से सेबी का फाइनेंशियल पोजिशन या तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सेबी डिटोरिएट हो गया है या तो इट इज इन पब्लिक इंटरेस्ट सेबी को सुपरसीड कर दिया जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट सेबी को सुपरसीड कर सकता है दो आज तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुपरसीड किया नहीं है मतलब आज तक वो नौबत आई नहीं है लेकिन पावर है अंडर सेबी एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो सेबी को सुपरसीड कर सकता है अच्छा ये सुपरसीड कितने दिन के लिए किया जाएगा मैक्सिमम सिक्स मंथ्स के लिए और अगर सुपरसीड कर दिया गया तो यहाँ पे सुपरसीड करेंगे तो एक नोटिफिकेशन पब्लिश किया जाएगा इन ऑफिशियल गैजेटी और जैसे ही नोटिफिकेशन पब्लिश होगा इन ऑफिशियल गैजेटी तो उसका क्या इफेक्ट होगा तो जितने भी मेंबर हैं सेबी के वो अपना ऑफिस इमीडिएटली वैकेट कर देंगे जो भी पार्स एंड फंक्शन सेबी का है वो कौन परफॉर्म करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट एंड जो भी प्रॉपर्टी ओन्ड एंड कंट्रोल बाय सेबी था जब तक सेबी रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं हो जाता वो किसके पास रहेगा वेस्ट विथ सेंट्रल गवर्नमेंट ये जो सुपर सेशन था कितने पीरियड के लिए था सिक्स मंथ्स के लिए तो यहाँ पे विद इन सिक्स मंथ सेंट्रल करेगा सेबी को रिकॉन्स्टिट्यूट करेगा और जब वो सेबी को रिकॉन्स्टिट्यूट करेगा बाय मेकिंग फ्रेश अपॉइंटमेंट तो जो पहले सेबी के मेंबर थे वो भी अपॉइंट हो सकते हैं मतलब इट इज नॉट समथिंग कि जो पहले बंदा था वो सब डिस्कालीफाई हो जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट कैन अपॉइंट द पर्सन हु हुज देयर ऑन द बोर्ड ऑफ सेबी अर्लियर

ना पार्ट टू ग्रांट इम्यूनिटी ना वट इज इम्यूनिटी इम्यूनिटी का मतलब होता है प्रोटेक्शन तो इसका मतलब क्या है कि अगर किसी पर्सन ने सिक्योरिटी लॉ का वायोलेशन किया है और प्रोसिक्यूशन चालू नहीं हुआ है तो वो पर्सन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाके इम्यूनिटी की डिमांड कर सकता है इम्यूनिटी का मतलब वो सेंट्रल गवर्नमेंट से माफ़ी मांग रहा है और बोल रहा है कि सर मेरे को माफ़ कर दो एंड सेंट्रल गवर्नमेंट अगर ऐसी कोई इम्यूनिटी की एप्लीकेशन आती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा सेबी का रिकमेंडेशन लेगा किस पर्सन को इम्यूनिटी देना चाहिए नहीं देना चाहिए और अगर यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेबी का रिकमेंडेशन लिया लेकिन अल्टीमेट डिसीजन मेकिंग कौन है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास मतलब यहाँ पे अगर सेबी बोलता है कि नहीं सर मत दो इम्यूनिटी लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि इम्यूनिटी देना चाहिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट इम्यूनिटी ग्रांट कर सकता है वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि आपको इम्यूनिटी कब नहीं मिलता जब प्रोसिक्यूशन चालू हो गया है अगर प्रोसिक्यूशन चालू हो गया है तो इम्यूनिटी नहीं मिलेगा अब यहाँ पे जब सेंट्रल गवर्नमेंट आपको इम्यूनिटी ग्रांट करेगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ कंडीशन स्पेसिफाई कर सकता है और अगर आपने उस कंडीशन को कंप्लाई नहीं किया तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर इम्यूनिटी दे सकता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट इम्यूनिटी को विड्रॉ भी कर सकता है और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इम्यूनिटी को विड्रॉ किया देन द पर्सन विल बी सब्जेक्ट टू द सेम पेनल्टी दैट वुड हैव बीन है अगर इम्यूनिटी ग्रांट नहीं होता तो एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज रिकवरी ऑफ अमाउंट इसके ऊपर दो बार क्वेश्चन आया डायरेक्ट क्वेश्चन आया रिकवरी ऑफ अमाउंट का क्लियर अब यहाँ कि अगर किसी पर्सन ने पेनल्टी पे नहीं किया किसी पर्सन ने, ने जो रिफंड ऑफ मनी का डायरेक्शन दिया था उसको कंप्लाई नहीं किया अगर किसी पर्सन ने डिस्गोर्समेंट ऑर्डर को कम्प्लाई नहीं किया वट इज डिस्गॉर्समेंट ऑर्डर डिस्गॉर्समेंट ऑर्डर मत की अगर किसी पर्सन ने रॉन्गफुल प्रोफिट कमाया है तो so, सेबी या कोई भी अथॉरिटी ऑर्डर दे सकता है फॉर रिकवरिंग दैट रॉन्गफुल प्रॉफिट तो जो रॉन्गफुल प्रॉफिट को रिकवर करने का जो ऑर्डर होता है दैट इज कॉल्ड ऑर्डर अगर सेबी ने आपको ऑर्डर इशू किया है फॉर रिकवरिंग द रॉन्गफुल प्रॉफिट बट आपने उसको कंप्लाई नहीं किया इसके अलावा अगर आपने फीस पे नहीं किया सेबी को तो रिकवरी ऑफिसर क्या कर सकता है रिकवरी ऑफिसर एक सर्टिफिकेट इशू करेगा अंडर ए सिग्नेचर जिसमें ये लिखा होगा कि कितना पैसा रिकवर करना है और उस पैसे को रिकवर रिकवरी ऑफिसर कैसे कर सकता है सो so, रिकवरी ऑफिसर उस पैसे को रिकवर करने के लिए उस पर्सन की प्रॉपर्टी को अटैच या सेल कर सकता है मूवेबल प्रॉपर्टी को उस पर्सन की प्रॉपर्टी को अटैच या सेल कर सकता है इमूवेबल प्रॉपर्टी उसके बैंक अकाउंट को अटैच कर सकता है उस पर्सन को अरेस्ट कर सकता है या तो रिसीवर को अपॉइंट कर सकता है जो उसकी प्रॉपर्टी को मैनेज करेगा एंड यहाँ पे रिकवरी ऑफिसर

तो लास्ट टेन इयर्स के ट्वेंटी अटेम्प्ट के हर एक क्वेश्चन का आप आंसर कंप्लीट कर पाओ क्लियर थैंक यू